नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा एम्स इंटर कॉलेज में प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले राजकीय बाल शिशु सदन के 8 बच्चों की शुक्रवार सुबह अचानक फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद बच्चे विद्यालय परिसर में उल्टियां करने लगे। वहीं एक साथ इतने बच्चों की हालत खराब देख विद्यालय प्रशासन ने बच्चों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा बच्चों का उपचार किया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आकर मामले की जानकारी ली। वहीं हम आपको बता दें कि जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है वो बच्चे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के बताए जा रहे हैं। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिनका समय पर उपचार हो जाने के कारण सभी की हालत खतरे से बाहर है। जिसमें से 15 बच्चे हमारे एडम से जाते हैं, उसमें से 8 बच्चों को सुबह नाश्ते में उन्होंने ब्रेड जैम और चने खाए, जिसके सिवा मिल गया अस्पताल में, बाकी कुछ हुआ भी कुछ भी नहीं। 9 बजे स्कूल को आए, 10:30 होने 11 बजे स्कूल से फोन आया कि बच्चों को उल्टी हो रही है एक बच्चे को करके, तो हम ले आने आए, फिर पता चला कि दूसरे बच्चों को हो रही है, तो तुरंत गाड़ी करके स्कूल ने भी सहयोग किया, सीधे यहाँ पहुँचा दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शेख हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में आज कर्मचारियों ने 5 माह से वेतन न मिलने के कारण निराश होते हुए धरना प्रदर्शन में अनिश्चित हड़ताल की। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि अगर वो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट उनको निकाल देने की धमकी देता है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यवाहक डॉक्टर मनोज ने बताया कि सरकार से बजट न होने के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। वहीं डॉक्टर मनोज ने कहा है कि 20 तारीख तक बजट पास करके सभी को वेतन दे दिया जाएगा। हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिसमें 3 साल से हमें 6-6 महीने उनके एक एक महीने की तनख्वाह दी जाती है और 6 महीने हमें पेंशन काम कराया जाता है, जब तक हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। बहुत दूर के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, गोरखपुर से भी हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं और लोकल से भी हैं। कुछ वार्ड बॉय हैं जिनकी तनख्वाह 5,500-5,600 रुपये है, वो उनका अपने घर से तेल खर्च करके आते हैं, 3,000 का उनका तेल लग जाता है, उनको कुछ भी नहीं बचता, उनको वह बताइए कैसे परिवार चलाएंगे। हमारे पास भी छोटा बच्चा, हम अपने बच्चों को घर छोड़ के यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, भूखा प्यासा हमारा बच्चा पड़ा, इसीलिए हम यहाँ हड़ताल कर रहे हैं ताकि हमारी तनख्वाह मिल जाए। बात नहीं है, हमने उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई कर दी है और जिन लोगों को जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको सूचित भी किया है। ठीक है, जैसे ही बजट आएगा ये समस्या का समाधान निकल जाएगा। संभावना जो हमारी बातें हुई हैं फोन पे या मौखिक रूप से, उसके अनुसार लगभग 20 तारीख तक शायद बजट आ जाएगा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पिछले कई वर्षों से शहर के बीचों बीच एक खाली स्थान में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके विरोध में आज सर्वदलीय संघर्ष समिति ने स्कूली बच्चों की स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों के अलावा विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चे हाथों में तख्तियां थामे रैली में शामिल हुए। गत्ता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भयंकर आग। सहारनपुर के देवन कोतवाली क्षेत्र के कुटी रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से भयंकर आग लग गई। जानकारी के अनुसार देवन कोतवाली क्षेत्र के कुटी रोड स्थित मकसूद पुत्र महबूब की गत्ता फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री के आसपास मकानों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।